हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी एंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आया है और जिनका क्लियर नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना और फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। पिछले दो दिन से मैं पूरे स्टूडेंट्स के यही डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप में, कॉल पर बहुत डाउट्स क्लियर किए, फिर भी स्टूडेंट यही गलती कर रहे हैं। ध्यान से सुनना सर, हो ये रहे स्टूडेंट लोगों के टैक्स में मार्क्स कम आए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके टैक्स में मार्क्स कम है, कई लोगों का टैक्स में मार्क्स आया भी है तो 40, 41, 42। सर एक बात समझिए, इस बार का टैक्स का पेपर वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना लास्ट टाइम था। अगर उस केस में भी अगर आपका टैक्स में 40, 41, 42 ही आ रहा है तो सर अगर नेक्स्ट टाइम टफ पेपर आ गया टैक्स का तो आप क्या करोगे, मेरे को ये बताओ, जस्ट गिव एन आंसर। सर आप लोग कैसे करोगे, फर्स्ट जाओगे। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर फिर हम क्या करें। मैंने उसको बोला भाई देख, एक सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना, बहुत काम की बात है। सर मैंने उसको एक सिंपल सी बात बोली, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है। स्टूडेंट ने बोला सर कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मैंने जिन टीचर से क्लासेज ली थी कंसेप्ट बेहद अच्छे से क्लियर है। मैं बोला वाओ वेरी नाइस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके शायद कंसेप्ट भी क्लियर ना हो, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कंसेप्ट तो क्लियर है बट जब वो क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो उनको लगता है अरे यार क्या पढ़ा था, क्या कंसेप्ट था इसमें, क्या अप्लाई करना था। ये सब डिफिकल्टी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। मैं पिछले दो दिन से कॉल और मैसेज में सबके यही डाउट्स क्लियर किया हूँ। अब बात यह है कि सर चलो दिक्कत समझ आ गई, सॉल्यूशन क्या है। जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं वेरी गुड, जिसके कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं वो भी ध्यान से सुने। सर आपको क्या करना चाहिए, सर देखो टैक्स में यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर अब आप भी हमें बता दो क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें। आप बोलो ना सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरी है। तो सर चलो एक चीज़ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे दुनिया में कोई भी हो, टैक्स में कोई स्टूडेंट को अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो ही नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट बोल रहा हूँ सर, मैं थोड़ा भी नहीं बोल रहा हूँ, भयानक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करके तो टैक्स कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब एक स्टूडेंट मेरे से पूछा सर इंस्टीट्यूट मैट कर लूँ वापस। मैं बोला अरे यार इंस्टीट्यूट मैट करके नहीं हो पाएगा भाई, उससे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में और उस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं आते एग्जाम में। अगर उसी टाइप के एग्जैक्ट आएंगे ना तो सब बच्चे पास रहेंगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। नहीं आते उस टाइप के क्वेश्चंस, वैसे हर बार वैसे नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आ भी जाते हैं। स्टूडेंट बोला फिर कैसे करें। मैं बोला देखो सब स्टूडेंट नॉर्मली जनरली कहीं ना कहीं से क्लासेस लेके बैठे होंगे, यही हुआ होगा सर। तो सर जिनसे आपने क्लासेस ली होगी, ध्यान से सुनना एंड तक सुनना, जिनसे भी आपने क्लासेस ली होगी आपने उनकी बुक के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए ना। अब आपके पास राइट टाइम है, आपको क्या करना चाहिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ। जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स को आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ, हर एक चैप्टर के 30, 40, 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम। आपको क्या करना चाहिए सर, आप सिंपल है आप मेरे लेक्चर्स परचेज कर सकते हो, क्योंकि सर मैंने एक्सट्रीम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर ये रेगुलर बैच रहेगा कि फास्ट ट्रैक। मैं बोला ध्यान से सुनना ये रेगुलर बैच है, ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, ये रेगुलर है। तो एक स्टूडेंट बोला सर पूरी क्लासेस वापस देखना पड़ेगा। मैं बोला बिल्कुल भी नहीं, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं आप जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए वहाँ वहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मूव करो आगे। एक स्टूडेंट बोला सर इसका क्या फ़ायदा, तो फिर इस बैच लेने का क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये है सर कि आपने मैंने जो क्वेश्चंस कराए वो क्वेश्चंस किए, इन केस अगर वो क्वेश्चन नहीं बना तो आप पीछे करके आराम से उसका कंसेप्ट देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यूज़ है तो आप आराम से पीछे जाके उसके कंसेप्ट देख सकते हो। स्टूडेंट बोला यार ये तो बात अच्छी हुई सर, ये तो बहुत मस्त चीज़ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसेप्ट क्लैरिटी, एक्सट्रीम प्रैक्टिस, नए टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और यही हेल्प करेगा आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। सर टैक्स में अप्रोच जो है ना स्टूडेंट की वो बहुत गलत है। आपको अगर ये लग रहा है कि सर आप चार बार कंसेप्ट पढ़ के चल जाओगे और टैक्स में पास हो जाओगे, तो मैं स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूँ सर चार बार कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला टैक्स में, अनलेस एंड अदरवाइज यू प्रैक्टिस अ लॉट। सर एक बात बताओ, आप लोग अकाउंट्स को 3-4 बार या इतना प्रैक्टिस करते हो, 11th, 12th, CA फाउंडेशन, CA इंटर, इतने टाइम से अकाउंट्स प्रैक्टिस करते हो, इसीलिए तो अकाउंट्स अच्छा लगता है ना, इसीलिए अकाउंट्स बन जाता है ना, इसीलिए अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आती। आप टैक्स पहली बार इंटर में आके पढ़ते हो, उसके बाद आप ये सोचते हो कि सर एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में मस्त तो टैक्स का पेपर जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सर हाउ इज़ इट पॉसिबल।
मेरे जो अभी स्टूडेंट है ना नवंबर वाले, जो नवंबर में एग्जाम देने वाले सर, उनसे आप बात कर सकते हो। मैं उनको एक बार पूरा सर चैप्टर वाइज टेस्ट ले चुका हूँ, क्यूमुलेटिव टेस्ट चल रहे हैं, रिविजन चल रहा है, कोर्स कंप्लीट कब से हो चुका है, रिविजन चल रहा है, रिविजन भी हाफ ऑफ द थिंग्स आर कंप्लीटेड, क्यूमुलेटिव हाफ कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट हाफ टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं क्यूमुलेटिव वाले, प्लस उनके तो सर एंड पे मैं 3 फुल टेस्ट भी लेने वाला हूँ। मैं आपको इसलिए ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि सर मैं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ अलग करना चाह रहा हूँ तो उनको मैं जानबूझ के चाहता हूँ वो लोग पास हो जाए, ऐसा नहीं है सर। मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अरे भाई प्रैक्टिस कर, मैं आपको भी तो यही बोल रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर लो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। एक महीने बाद मैं आप लोगों के लिए भी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करूंगा, फिर टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करना, फिर देखना कहाँ पर क्या हो, कितनी दिक्कत आ रही है, कहाँ मिस्टेक आ रही है, क्या सुधारने की जरूरत है, क्या और इम्प्रूव करना है। सर समझो मेरी बात, ये मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने फिर मेरे से पूछा, सर एक बात बताओ, हम तो वैसे ही ऑलरेडी इतनी महंगी महंगी क्लासेस लेके रखे हैं सर, कोई आदमी, मैं तो कल सुना तो बाप रे बाप, कोई 8,000 दिया है, कोई 10, कोई 15, 16,000 एक एक टैक्स की क्लास के लिए। मैं बोला बाप रे बाप, मेरी तो क्लास सिर्फ 3,000 की है, जिसमें इनकम टैक्स GST दोनों है, अनलिमिटेड व्यूज है, आराम से आपको बुक्स भी सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी, आप आराम से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्या प्रोवाइड करूँ मैं आपको बताऊँ सर, ये सब चीज़ तो। और ये तो सर मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करता हूँ जिसमें मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ, आप किसी से भी पूछ लो। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि वर्तमान सर किसी के डाउट्स क्लियर नहीं करते, मैंने तो पूरे एग्जाम टाइम में जो मेरा स्टूडेंट नहीं था उसकी भी बैठ के हेल्प करी है। तो सर जब आप मेरे लेक्चर्स लोगे तो मैं आपकी हेल्प कैसे नहीं करूँगा। एक बात याद रखना सर, टैक्स में गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली स्टडिंग। सिर्फ पढ़ के अगर पास हो जाते ना टैक्स में तो पूरी दुनिया अभी तक कंसेप्ट को 4 बार पढ़ के रैंक ले आती सर, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप जितनी जल्दी मेरी बात ये एक्सेप्ट कर लो, समझ लो, मान लो, अच्छा है। मैं डिस्क्रिप्शन में सर नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ अपना, आप नंबर पे कांटेक्ट करो सर, कांटेक्ट करके अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो मैं व्हाट्सएप में पिन करना, मैं आपको लेक्चर्स के लिंक प्रोवाइड कर दूँ। बाकी सब मेरी जिम्मेदारी, बट प्लीज़ अप्रोच सही रखो, नहीं तो फिर वही गलती होगी दोबारा नवंबर में, और फिर टैक्स में कमाएंगे या लटक जाओगे या एग्रीगेट शॉर्ट कर देगा वो। आई होप मेरी बातें आप समझोगे, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करोगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, और भी बहुत सारी काम की चीज़ें जो मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूँगा और हेल्प करूँगा, ठीक है। चलो सब अपना ध्यान रखेंगे, और जितनी जल्दी हो सके सर लेक्चर्स परचेस करो, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, व्हाट्सएप में मुझे पिन कर लेना, ठीक। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।